आपको पता होगा जो जिस वक्त 450 रुपया सिलेंडर का कीमत था उस वक्त स्मृति ईरानी जी माथा पर लेके सिलेंडर डांस करती थी महंगाई के ऊपर। आज सिलेंडर का कीमत इतना बढ़ गया है कि जिस घर में उजाला योजना के तहत कनेक्शन दिया गया उस गरीब को ठगा गया, आज वह घर में फिर से चूल्हा पर खाना बनना आरंभ हुआ है। यही तो केंद्र सरकार का देन है और महंगाई के सिवा और कुछ नहीं है। आज बिहार के 38 सांसद हैं, लेकिन उस सांसद को मान मर्यादा को रखते हुए भी बिहार के लिए भी अगर कुछ दिया जाता तो हम लोग उम्मीद करते कि बिहार में कुछ मिला है। आप महिला सशक्तिकरण पर लीजिए, आज समाज कल्याण विभाग जो है बाल विकास परियोजना जो है केंद्र के परियोजना है, उसमें टोटल महिला हैं। वो खाना बनाने से लेके पदाधिकारी तक उस विभाग में अधिकतर महिलाएं ही होती है, लेकिन आज कितना पर वो आंगनबाड़ी सेविका का काम कर रही है 5950 पर। वो जो सहायिका बहन है वो कितना पर काम कर रही है 3000 पर। अब बताइए जो महिला सशक्तिकरण का हमारे केंद्र सरकार बात करती है और महिला जिस विभाग में सिर्फ महिला ही महिला हो वहाँ उसका क्या मिला है? एक सांसद का कीमत वेतन हो 3 लाख 5 लाख योजना हो और एक महिला जो बच्चा के जन्म क्या गर्भ से, बच्चा जब गर्भ धारण करती है महिला उस वक्त से उसके मृत्यु तक का जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका देखभाल करती है उसका मानदेय जो है से एक न्यूनतम मजदूरी जो नरेगा के मजदूर हैं उनसे भी कम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं गुड्डू ठाकुर जी, और चूंकि मुद्दा गर्म है क्योंकि आज ही के दिन गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर का 50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर का 350 रुपये कीमत बढ़ गया है, क्या कहेंगे इस पर से? सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने महंगाई को देखते हुए हमसे कुछ पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन किए हैं। आपको पता होगा जो जिस वक्त 450 रुपया सिलेंडर का कीमत था उस वक्त स्मृति ईरानी जी माथा पर लेके सिलेंडर डांस करती थी महंगाई के ऊपर। आज सिलेंडर का कीमत इतना बढ़ गया है कि जिस घर में उजाला योजना के तहत कनेक्शन दिया गया उस गरीब को ठगा गया, आज वह घर में फिर से चूल्हा पर खाना बनना आरंभ हुआ है। यही तो केंद्र सरकार का देन है और महंगाई के सिवा और कुछ नहीं है। आज बिहार के 38 सांसद हैं, लेकिन उस सांसद को मान मर्यादा को रखते हुए भी बिहार के लिए भी अगर कुछ दिया जाता तो हम लोग उम्मीद करते कि बिहार में कुछ मिला। आप महिला सशक्तिकरण पर लीजिए, आज समाज कल्याण विभाग जो है बाल विकास परियोजना जो है केंद्र के परियोजना है उसमें टोटल महिला हैं। वो खाना बनाने से लेके पदाधिकारी तक उस विभाग में अधिकतर महिलाएं ही होती है, लेकिन आज कितना पर वो आंगनबाड़ी सेविका का काम कर रही है 5950 पर। वो जो सहायिका बहन है वो कितना पर काम कर रही है 3000 पर। अब बताइए जो महिला सशक्तिकरण का हमारे केंद्र सरकार बात करती है और महिला जिस विभाग में सिर्फ महिला ही महिला हो वहाँ उसका क्या मिला है? एक सांसद का कीमत वेतन हो 3 लाख 5 लाख योजना हो और एक महिला जो बच्चा जब गर्भ धारण करती है महिला उस वक्त से उसके मृत्यु तक का जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका देखभाल करती है उसका मानदेय जो है से एक न्यूनतम मजदूरी जो नरेगा के मजदूर हैं उनसे भी कम है। तो ये केंद्र सरकार जो है हर मुद्दा पर फेल है। ये फोकसबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, न किसान का ध्यान है, न महिला का, न युवा का, न रोजगार का। ये बिल्कुल फेल सरकार है। इस सरकार को हम लोग इस बार उखाड़ फेंकेंगे। जैसा कि आप बोले 2014 में जब स्मृति ईरानी जी उससे पहले सिलेंडर अपने बोलते कि माथा पले के, उस समय तो रोज जो इनकम था वो भी तो कम था ना, अभी तो बड़ी है ना। आज उस औसत में आप देख लीजिए नरेगा के मजदूर को उस वक्त भी 195 या 175 रुपया था, आज क्या है 204 रुपया हुआ है या 5 रुपया हुआ है। अब बताइए जो जहाँ 450 से अभी लगभग 1150 रुपया सिलेंडर का दाम हो गया, अब इससे महंगाई का तोल लीजिए और उस मजदूर का तोल लीजिए। अगर ये केंद्र सरकार
या मोदी जी आदर्श प्रधानमंत्री कहलाना चाहते हैं तो सारे सांसद का, सारे विधायक का रुला के पहले वेतन रोके, योजना लोग रोके, दोबारा जो नहीं जीतता है उसको आप वेतन रोके। यहाँ एक एक सांसद के लिए चार चार बार दरमाहा दिया जाता है, वो हार गए फिर भी उनको वेतन मिलेगा। और ये महिला आज जिसको उजाला योजना के तहत आप दिए सिलेंडर, उसको तो कम से कम मुफ्त में देने का आप प्रावधान लाइए। आज किसान जो दूध गौ सेवा करता है उसको क्या मिल रहा है, 30 रुपया लीटर, 40 रुपया लीटर, और आप कितना दे रहे हैं, आप किसान पर क्या दिए। आज जो आपका योजना है गरीब के बच्चा के लिए, आपका क्या योजना है, वो गरीब को आप 5 किलो चावल वोट के लिए दे रहे हैं, वो भी आप चावल दे रहे हैं, गेहूं नहीं दे रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वोट के लिए दे रहे हैं। आप पता कीजिए, वही 5 किलो के जगह उस गरीब के बस्ती से उस बच्चा के पढ़ाई के लिए अगर आप 500 रुपया देते तो गरीब का जिंदगी बदल सकता है। आप 5 किलो अनाज दे के वोट खरीद रहे हैं। जिस तरह नागालैंड में अभी एक परिवार के सदस्य पूरे परिवार का वोट गिराता है, वही आप यहाँ फॉर्मूला लागू कर रहे हैं देश स्तर पर, जो हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं मुफ्त में आपको, इनपुट का क्या हुआ। अब आप जब चुनाव का घड़ी आया तो आप घोषणा कर रहे हैं जो सबको इनपुट का पैसा जाएगा। किसान का जो है आपके पास में सब तंत्र है, सर्वे कराते कौन किसान खेती करता है खेती नहीं करता है, उस किसान को समय पर खाद बीज उपलब्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज बिहार में खाद का कितना बीज का मारामारी चला, इसके लिए बिहार सरकार दोषी है कि केंद्र सरकार दोषी है, ये सारा तो केंद्र का है। तो आप दोहरी नीति के सरकार हैं, आप एक तरफ कहते हैं मारो मारो, एक तरफ कहते हैं बचाओ बचाओ। आज आपको हमने दिखाया NH-22 का स्थिति, आपने यह देखा यहाँ के सांसद जो है गृह राज्य मंत्री है, वहां आपने देखा था कि हम लोगों ने वो वर्षा के पानी में गंदे पानी में, इसका वीडियो हम दिखा चुके हैं। अभी जो महंगाई पर ही चर्चा हो रही थी, महंगाई पर जैसे आप बोले राशन को लेकर जो बात बोले लालू जी, 25 फरवरी को जो पूर्णिया में महारैली थे वहां पर उन्होंने बोला कि जब राशन हमारे पास स्टॉक में हो जाता है या सरने लगता है तो 1910 का जो कानून है उसके हिसाब से गरीबों को राशन मुफ्त में दिया जाता है, ये नियम है। अब सरकार इसी को करे कि हम दे रहे हैं, कांग्रेस आएगी या अदर पार्टी आएगी तो नहीं देंगे, ये क्यों ऐसा। देखिए नरेंद्र मोदी जी पहले तो मुख्यमंत्री थे जहाँ से दंगा करा के चले, अभी उनका दंगा को देखिए उस शब्द, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुना चुका है। अभी जो कार्यक्रम आरंभ किए हैं फोकसबाजी है वो ठीक लालू जी कहे हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान आज कोई बदल गया है, नहीं बदला है। हमारा जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है उसी के तहत सब चलता है। तो वो जो कहे लालू जी वो बिल्कुल सही कहे कि जब आपके पास स्टॉक अधिक हो जाएगा और वो जो सरेगा तो उसको गरीब में, ताकि वो जो स्टॉक किया जाता है देश के रक्षा के लिए आपातकालीन स्थिति के लिए, जब हमारा स्टॉक बच जाता है फिर नया फसल आ जाता है तो उसको गरीब के माध्यम से गरीब को दे दिया जाता है ताकि स्टॉक खराब ना हो। तो वो सही कहे, लेकिन उसमें ही अपना जो है आप देखते होइएगा, आप जाइए, आपको हम कहते हैं देखने के लिए, जहां भी जो डीलर हैं वहां प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा के वितरण करते हैं। इसका क्या माने हुआ से आप बताइए, इसका स्पष्ट माने है कि अपना प्रचार करा रहे हैं, अपना वोट का बैकिंग ठीक कर रहे हैं, जबकि उससे कोई गरीब खुश नहीं है। उस अनाज आज बंद कर दें और महंगाई का जो है पैराग्राफ कम कर दें तो उससे ज्यादा हमारे देश का भला हो सकता है। आज हमारा युवा पीढ़ी पढ़ाई में कमजोर होते जा रहा है, आज आपको देख लीजिए ये जो है हमारा रेल बजट देखे हैं आप, देखिए पटोरी से मोहद्दीनगर से जो पटना पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको सुबह 6 बजे के बाद पटना जाने के लिए ट्रेन नहीं है, वो कौन देखेगा, बिहार सरकार देखेगा कि केंद्र सरकार। जबकि आप यहाँ लगुनिया में हमारा रैक पॉइंट बन रहा था उसको उठा के हाजीपुर ले जाया गया। तो इसके तहत हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो सांसद हैं वो तो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको ये क्वेश्चन करना चाहिए हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए या देश स्तर पर क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन जब वो देश स्तर के लिए अपने संसदीय क्षेत्र के लिए नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार के साथ खास तौर पर सौतेलापन हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तो गरीब राज्य है इसको महंगाई का इतना बोझ डाल दो जो विकास नहीं कर सके। लेकिन
हमारा जो सरकार बिहार सरकार में जो है गठबंधन का सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये अपना तरह तरह के फॉर्मूला से, तरह तरह के योजना से विकास चाहते हैं और विकास करा रहे हैं। इसी के तहत हमारा बिहार एक अंतिम अंतिम शब्द, अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात किए तो कल बिहार का बजट हुआ, कम शब्दों में बिहार का बजट जो हुआ 2,11,000 करोड़ से बढ़ा करके 2,61,000, यानी कि तकरीबन 62,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। संक्षेप में बताएं क्या बजट में क्या प्रावधान है, क्या क्या सुविधाएं मिली है लोगों? इसमें बहुत सुविधा है। अभी आप देख रहे होंगे कि रोजगार इसमें मिलेगा, कहिएगा कहाँ तो आप गंगा के तट से जो पटना गाय घाट से जो शुरू होइएगा तो उस पर बाजार लगाने और स्टॉल लगाने का व्यवस्था किया जा रहा है। वो जो आपको कहें नालंदा में इसका व्यवस्था, तरह तरह से जो है हमारा जो राज्य है यहाँ बहुत कंपनी और फैक्ट्री कम है और कम साधन में कैसे रोजगार पा सकते हैं उसका उपाय हमारे नीतीश कुमार जी किए हैं। जब ये सब होगा, अभी आप पटना जाते होइएगा और देख रहे होइएगा जो पटना पर 4-4 लाइन का ओवर ब्रिज बनाया गया है, उसके नीचे में दुकान का व्यवस्था किया गया है, तरह तरह से जैसे पार्क का व्यवस्था किया गया है, मनोरंजन का व्यवस्था किया गया है, शिक्षण संस्थान को अनुदान देके शिक्षण संस्थान का व्यवस्था किया गया है, हर जिला में मेडिकल और आईआईटी का कॉलेज खोला गया है, तरह तरह से इन्होंने बिहार को सजाने में लगे हुए हैं। क्या एक न्यूज में मैंने सुना था, ये कन्फर्म मैं मेरी ये जानकारी नहीं है, एक न्यूज में मैंने सुना है कि बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य है जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हुआ है। तो सवाल ये है, जब बिहार तीसरा आर्थिक स्थिति से मजबूत राज्य है तो यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगार कहाँ से पैदा हुआ? आप जो कहे तीसरा राज्य मजबूत हुआ है, मजबूत होने का अर्थ ये है कि जो जितना इसका स्थिति कमजोर था उसमें मजबूती आया। जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो युवाओं को रोजगार कहां मिल रहा है? ये जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, माने कि पहले अगर मुझे खाना नहीं मिलता था, अभी 2 टाइम का खाना मिलता है तो मजबूती ही न कहेंगे। उसी तरह से राज्य के पास कुछ नहीं था तो इन्होंने सृजन करते 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 इस राज्य को मजबूत किया है। मजबूत करने का अर्थ ये है कि रोजगार का, जैसे छोटा छोटा उद्योग लगाने का इन्होंने ये दिया है, छोटा छोटा रोजगार के बाद आपको बता दें जो अभी शिक्षक बहाली, अभी आप जो कह सिपाही बहाली, तरह तरह के वैकेंसी थे और यहाँ का जनसंख्या कुछ अधिक है, इस कारण से कुछ बेरोजगारी तो होगा, जिसका निदान करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी फुल तैयारी कर चुके हैं और उसी के तहत काम करते हैं। धीरे धीरे बेरोजगारी दूर हो रहा है और लगभग बेरोजगारी दूर हो जाएगा। चलिए, धीरे धीरे बेरोजगारी दूर हो रही है और लगभग बेरोजगारी यहाँ से दूर हो जाएगी। आप देख रहे हैं वंदे बिहार, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर और फॉलो करना ना भूलें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।